सब्सक्राइब कीजिए हमारे सपोर्टिंग अभी चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं एंड्रॉयड मोबाइल में 3 ऐसे गेम्स बताने जा रहा हूं जो आपके मोबाइल में पहले से ही है पर आप उसे जानते नहीं हैं, ना ही आपने उसे कभी खेला होगा। फ्रेंड्स, इनमें से एक ऐसा भी गेम है जिसे आप बिना इंटरनेट यूज किए भी खेल सकते हैं। अगर आप कहीं बोर हो रहे होंगे, अकेले होंगे, आपका मन नहीं लग रहा हो, तो आप उस गेम को बिना इंटरनेट के खेल सकते हैं और उससे अपने आप को मनोरंजित कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं शुरू करता हूं और आप लोगों को उन 3 गेमों के बारे में बताता हूं। सबसे पहले आप लोगों को मैसेंजर में जाना है, उसके बाद किसी के चैट में जाना है, चैट में जाने के बाद इमोजीज खोलना है। इमोजीज में आपको सबसे पहले फुटबॉल के साइन को क्लिक करना है, उसे सेंड करना है। फिर इस फुटबॉल में आपको डबल टैप क्लिक कर देना है, ये आपका गेम खुल जाएगा। फिर इस गेम को खेलने के लिए आपको फुटबॉल को एक बार टच करना है, उसके बाद उस फुटबॉल को आपको ऊपर में ही रखना है, नीचे नहीं आने देना है, तब आपके पॉइंट्स बनते जाएंगे इस तरह से। फ्रेंड, दूसरा गेम ये है कि आप जो है इस बास्केटबॉल के बॉल में क्लिक करना है, इसे भी सेंड करना है और इसमें फिर आपको डबल टैप टच करना है, ये भी गेम खुल जाएगा। उसके बाद आपको बॉल को बास्केट में फेंकना है। ये देखिए, 1 पॉइंट मिल गया, ये 2 मिल गया, ये 3 मिल गया। इसी टाइप से आपको इस गेम को भी खेलना है। तीसरे गेम की बात करो फ्रेंड, जिसको आप बिना इंटरनेट के खेल सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्रूम ऑन करना है, गूगल क्रूम, और उसके बाद आपको कोई भी एक वेबसाइट खोलना है। जैसे मैं यूट्यूब पे क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए, ये दिखा रहा है यू आर ऑफलाइन। आप देख सकते हैं कि मेरा मोबाइल फ्लाइट मोड में है। तो उसके बाद आपको गेम खेलने के लिए डायनासोर में क्लिक करना है, उसके बाद आपको ये गेम जो चालू हो जाएगा, उसके बाद आपको ये गेम खेलना है। ये देखिए, आप इस तरह से इस गेम को खेल सकते हैं। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और अब मुझे लगता है कि आप ये 3 गेम के बारे में नहीं जानते होंगे। अगर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताएं, या नहीं भी जानते होंगे तो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। और आपको वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।